नमस्कार इंडिया टाइम में आपका स्वागत है ब्रेकिंग हमीरपुर। मुहर्रम की 9 तारीख को अकीदतमंदों ने अलाव और ताजी निकालकर मनाया हसन हुसैन का मातम। मुहर्रम की 8, 9, 10 तारीख को जहां एक और इमाम हुसैन के कबीले में तमाम हुसैनी फाके भूखे प्यासे थे, तो वहीं शहीदाने करबला में उनकी औलादों और इमामों को कत्ल किया जा रहा था। इमाम हुसैन के शहीदों पर पूरे खेमे में मातम था। मुहर्रम की 10 तारीख को नमी के नमाज इमाम हुसैन के शहीदाने करबला शहादत हुई थी। मुस्लिमों के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाजे इमाम हुसैन शहीदाने करबला में जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मुहर्रम की 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादों को एजिदी फौज के कत्ले आम करके भूखा प्यासा ही मार दिया था। और अगर आप पूछो आज इसमें मस्जिद के इमाम खाने में रखा जाएगा, उसके बाद फिर अलाव यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अलाव करते हैं। यहाँ पर हमारे कसूरी भाई भी अलाव करते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ अलाव करते हैं। ताजिया की 9 तारीख के क्या प्रोग्राम होगा? आज मुहर्रम की नौमी का है। आज जो ताजिया होता है दिन अपर नाम रहमानी अंतर कॉलेज के मकान मकान से उसका ताजिया वहाँ से निकाल जमा मस्जिद में आकर के वहाँ रखा गया। वहाँ से आकर के अब अलाव फैला जाए। इनका उस्ताद नवाब उस्ताद है अलाव अलाव के, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के अलाव के आज नौमी तारीख तक।